हे विद्यार्थियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है द्रोण स्कूल में। इस वीडियो में हम नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथ्स के चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस लेक्चर में जो हमने चारों क्वेश्चंस लिए हैं बिल्कुल अलग अलग हैं, डिफरेंट हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है और टाइम बचाया जा सकता है। इस प्रैक्टिस सेशन का रूल तो आपको पता ही है, करना क्या है, मेरे सॉल्व करने से पहले आपको खुद सॉल्व करना है और अपने आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं, और लास्ट में आप हमें ये भी बताना कि आपके कितने आंसर सही हुए। तो शुरू करें, लेट्स स्टार्ट। देखो, पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। अ ट्रेन इज रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर। हिंदी में समझो, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रही है, 350 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। देखो, तुम जानते हो बच्चों कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल, इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी देखें, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो देखो, डिस्टेंस कितना है, 350 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 350 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है, 75 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 25 तिहाई 75 और ये आएगा 14, राइट। इसको तुम ऐसे लिख लो, 3 चौके 12, 4 2 बाई 3, 4 होल 2 बाई 3, इतना आया। ये क्या है, ये घंटा है, ये हॉर है, समझ गए। तो 4 घंटे, तो 4 सही 2/3 घंटे हुए। अब इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो ना, 4 प्लस 2/3, राइट। तो 4 तो ये सीधा सीधा ये घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया ना। बच्चा हमारे पास 2/3, इसको हमें मिनट में चेंज करना है। तो बच्चों, तुम्हें पता है कि एक घंटे में होता है 60 मिनट, राइट। तो 2/3 आवर्स में कितना होगा, 2/3 × 60, तो 3 × 20 × 2 ये कितना हुआ, 40। तो 4 घंटा तो हमारा आया हुआ था पहले से, और इसको हमने मिनट में बदला तो हमने पाया कि ये आ रहा है 40 मिनट। 4 घंटा 40 मिनट, कौन सा ऑप्शन है, देखो, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, मुझे पता है आप सब लोगों ने कर लिया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इसमें कोई भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम पूछोगे कैसे, मैं बताता हूँ, पढ़ो पहले क्वेश्चन को। अ पर्सन बोरोड ए सम ऑफ ₹20,000 फॉर 2 ईयर ऑन सिंपल इंटरेस्ट। ही हैड टू रीपे ₹24,800 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम वॉच। हिंदी में से समझ लो, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए ₹20,000 लेता है, 2 वर्ष बाद उसे ब्याज सहित ₹24,800 वापस देना पड़ता है, तो ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि पी इज इक्वल टू मूलधन बराबर क्या है, ₹20,000, राइट। साधारण ब्याज का सवाल है, यानी सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, समझ में आ रहा है तुम्हें। और लास्ट में 2 साल के बाद टाइम बराबर कितना है, टाइम जो है 2 साल है, 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के बाद वो रिटर्न कितना करता है, 24,800। तो ध्यान दो बच्चों, उसने लिया कितना था, ₹20,000, 20,000। रिटर्न कितना किया, 24,800, 24,800। इसमें से इसको जब तुम घटाओगे तो ये कितना बचा, ₹4,800, 4,800 बचा, राइट। यानी कि ये 4,800 जो है उसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, तो यही तो उसका इंटरेस्ट है, यानी कि ब्याज है। ये ब्याज कितने सालों का है, देखो, ये है 2 सालों का, 2 ईयर्स का। तो बच्चों बताओ मुझे, अगर 2 ईयर्स का जो ब्याज है, 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो है ₹4,800, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 4,800 × 2, कितना होगा ये, ₹2,400। अब ये तो हमने निकाल लिया 1 साल का इंटरेस्ट, हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करोगे, ₹2,400 इंटरेस्ट है 1 साल का,
कितने रुपए पर है? 20,000 रुपए पर है, 20,000 नीचे रखोगे, राइट। और परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि रेट तो परसेंट ही तो होता है, तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या हुआ देखो, 20 से 20 कैंसिल आउट, इन 20 से ये 20 कैंसिल आउट, और ये 2 12 कितना हुआ, 12% 12% इज़ द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, देखो थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो अगर ऐसे ही कॉन्सेप्चुअली सवाल को समझते जाओगे तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा फार्मूला रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो इसमें क्या फार्मूला लगाना था, कुछ नहीं, हमने सीधे क्वेश्चन को समझा और सॉल्व कर दिया। अगर तुम्हें क्वेश्चन फिर भी ना समझ में आया हो तो पीछे जाओ और वीडियो को फिर से देखो। चलो बहुत अच्छे, बढ़ते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पर। ध्यान दो, तुम्हारी स्क्रीन के सामने है, पहले तुम खुद सॉल्व करो और कमेंट करके बताओ। मैं तुम्हें एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक इसके लिए बताऊंगा जिससे तुम्हारा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और टाइम बहुत कम लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले खुद सॉल्व करो और देखो तुम कैसे सॉल्व करते हो। कर लिया तुमने, बहुत अच्छा, अब मैं बताता हूँ। देखो पहले क्वेश्चन को पढ़ो। 1/3 ऑफ ए सर्टेन जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, 1/4 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। हिंदी में समझो, एक निश्चित दूरी की यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से और 1/4 भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर किया जाता है। जो बचा हुआ भाग है उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर किया जाता है। तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल क्या है? तुम जानते हो बच्चों कि औसत चाल यानी कि एवरेज जो स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम मतलब कुल दूरी बटे कुल समय बराबर औसत चाल यानी कि एवरेज स्पीड हो जाती है। तो इसको तुमने कैसे सॉल्व किया? डिस्टेंस को डी या फिर एक्स माना होगा और फिर उसी को डिवाइड किया होगा, राइट। ऐसे ही तो किया होगा, ऐसे ही कुछ किया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखो तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल क्वेश्चन को आसान बनाना है अगर तो तुम एक काम करो। ये दोनों दिख रहा है, 1/3 भाग और 25, तो 3 का 25 में गुणा करो, कितना आया? 75। उसी तरह से 1/4 भाग दिख रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इन दोनों का गुणा करो आपस में, 4 का और 30 का, कितना आया? 120। उसी तरह से तुम्हें 50 ये दिख रहा है और 50 के साथ कुछ नहीं है तो उसको छोड़ दो, 50 को यहाँ तुम ऐसे लिख लो, समझ गए। अब तुम्हें करना क्या है, इन सब का LCM निकाल लेना है। क्या करना है? इन सब का LCM यानी कि लसर निकाल लेना है। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो मैं तुम्हें लसर निकाल कर नहीं बताऊंगा यहाँ पे, इसे तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, लसर निकाल सकते हो, तो मुझे पता है तुम सारे होशियार हो। अब देखो इसका जब तुम LCM निकालोगे तो ये आएगा 600, राइट। LCM कितना आएगा? 600। अब ये जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो हो गया बिल्कुल आसान। अब मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। पहला कितना है? 1/3 भाग। तो भैया 600 का 1/3 भाग कितना होगा? 600 × 1/3 = 200 किलोमीटर। और दूसरा है 1/4 भाग, तो 600 का 1/4 भाग कितना होगा? 600 × 1/4 = 150 किलोमीटर। समझ रहे हो बात को? 150 किलोमीटर। तो अगर ये पूरी ये डिस्टेंस है ये, तो पहला पार्ट हुआ मान लो यहाँ तक, ये है 200 किलोमीटर का, और दूसरा पार्ट है 1/4 भाग जो है वो है तुम्हारा 150 किलोमीटर का, ये है। तो टोटल दूरी कितनी हुई? टोटल दूरी इसको मान लो, जो 600 हमने LCM से निकाला वो टोटल डिस्टेंस मान लो है तुम्हारा, ये क्या है? टोटल डिस्टेंस इतना मान लो। तो अगर तुमने इसको टोटल डिस्टेंस माना और 200 और 150, तो 1/3 भाग और 1/4 भाग हुआ। अब बचा कितना? 600 में से इन दोनों को घटा दो। तो जब तुम 600 में से इन दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा? 250 किलोमीटर हमारे पास बचा। अब ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना। अब जो 200 किलोमीटर ये कवर किया गया था, ये 1/3 हिस्सा था, 1/3 पार्ट, और इसको कवर किया गया था 25 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से, 25 किलोमीटर पर आवर, राइट। और इसको कवर किया गया था, ये 1/4 पार्ट था, देखो यहाँ पे 1/4 पार्ट, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसको किया गया था 30 किलोमीटर पर आवर से, और ये जो बचा, सॉरी ये किलोमीटर है, राइट,
ये जो बचा 250 किलोमीटर इसको किया गया था, देखो शेष भाग यानी कि रेस्ट ऑफ द जर्नी कहाँ है, देखो रेस्ट ऑफ द जर्नी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, कितने स्पीड से 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, ये ऊपर वाला तुम्हारा डिस्टेंस है और नीचे वाला स्पीड, ऊपर वाला डिस्टेंस नीचे वाला स्पीड, ऊपर का डिस्टेंस नीचे का स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम, समझ गए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना तो तुम्हें पता ही है। तो इसको डिवाइड कर दो, अब देखो इसके डिवाइड किए और इसको 150 को 30 से डिवाइड किए और 250 को हमने 50 से डिवाइड किया, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आया 8, इसका आंसर कितना आया डिवाइड करो, इसका आंसर आया 5 और इसका आंसर कितना आया, देखो इसका आंसर भी आया 5, राइट, यानी कि 8 घंटा ये हुआ 8 आवर्स, 5 घंटा 5 आवर्स एंड 5 घंटा ये भी 5 आवर्स ये भी। तो इन तीनों पार्ट की जर्नी को कवर करने में टाइम लगा हमें 8 घंटे 5 घंटे और 5, टोटल टाइम कितना लगा जोड़कर बताओ, 8 5 13 5 18 घंटे यानी कि 18 आवर्स, 18 आवर्स टोटल टाइम हमें लगा। अब ध्यान दो, हमें निकालना क्या था, मेन पर्पस हमारे इस क्वेश्चन का क्या था कि एवरेज स्पीड निकालनी थी। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमने देखा था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमें चाहिए, टोटल डिस्टेंस हमने क्या किया था 600 को मान रखा था, तो 600 जो है टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम हमने अभी निकाला देखो 18 आवर्स, राइट 18 आवर्स, इसको जब तुम कैंसिल आउट करोगे तो 6 3 18 ये बचा 100, 100 बटे 3 इज इक्वल टू 33 1/3, देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो देखा तुमने कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या था कि तुम्हें एलसीएम निकालना था, जो पार्ट दिया हुआ था और उसके साथ जो स्पीड दिया हुआ था, तो इसके नीचे वाले पार्ट का इसे मल्टीप्लाई करना था, 75 आया था, इसको हमने मल्टीप्लाई किया था 4 से 30 का 120 आया था, और जिसके साथ पार्ट नहीं दिया हुआ था, जैसे इसके साथ 1/4 पार्ट दिया है लेकिन इस 50 के साथ कोई भी पार्ट नहीं दिया है, तो उसको ज्यों का तू उतार लेंगे और इन सब का एलसीएम ले लेना है, जो एलसीएम आएगा वही हमारे डिस्टेंस होगी। अगर ये कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझ में आया है तो वीडियो को फिर से देखो, तुम्हें लग रहा होगा कि कॉम्प्लेक्स हो रहा है लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चीज़ों को समझोगे बहुत आसान हो जाएगा और तुम्हें कोई भी वेरिएबल मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे क्या होता है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में हम ऐसे फंस जाते हैं कि वो सॉल्व नहीं होता है आगे, या बहुत टाइम खा जाता है, सॉल्व तो हो जाता है लेकिन बहुत टाइम खा जाता है, तो हमें टाइम बचाना है। चलो बहुत अच्छे बच्चों, अब चलते हैं हम इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दो ये बहुत आसान क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, लल्लू क्वेश्चन है, कर लिया होगा तुमने इसे सॉल्व, तो ध्यान देना ये भाग है ना, ये डिवाइड है, डिवीजन का सिंबल है, प्लस मत समझने लगा इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर को सॉल्व करो 7/3 × 2/3 और इस डिवीजन के सिंबल को जब तुम मल्टीप्लिकेशन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ये पलट जाता है, तुम्हें इतनी बात तो पता है ना, 5/3 हो जाएगा जो 3/5 था, तो × 5/3 अपॉन, नीचे देखो ये 1/2/3 है तो इसको क्या हो जाएगा, ये 3 × 3 = 5/3, 2 + 5/3 नीचे होगा, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये 3 × 6 + 5 = 11/3, तो नीचे आएगा 11/3। अब देखो इसको फिर से तुम और सिंप्लीफाई करो तो 7/3 × 2/3 × 5/3 और इसको जब तुम ऊपर ले जाओगे तो ये भी पलट जाएगा, राइट, तो 3/11, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा कितना 7 × 2 = 14 × 5 = 70, 70 ऊपर और नीचे कितना बचा, 3 × 3 = 9 और 11 × 9 = 99, 70/99 कौन सा आंसर है, देखो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इस तरह से हमने 4 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, तुम हमें कमेंट करके बताना कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा और ये भी बताना कि कितने क्वेश्चन तुम्हारे सही हुए। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट्स, ऐसे ही कॉन्सेप्चुअल वीडियोस और शॉर्ट ट्रिक्स जैसी वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाना। चलें फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।